अनुपम में आगे दिखाई जाएगा, इवेंट में पहुंचे हुए गुंडे तोसु को पकड़ लेते और बार बार उसे पैसे मांगते हैं। इतना ही नहीं, वो तोसु को परी की धमकी भी देते हैं, जिस वजह से तोसु घबरा जाता है और उसे वो सारी बातें याद आने लगती है जो उसे अनुपमा ने कही थी। दूसरी तरफ अनुपमा साइड में खड़ा होकर अनुपमा को देखता है, जो लगातार स्टॉल पर अपना काम करने में बिजी थी। इसके बाद अनुज की आधिया से फ़ोन पर बात होती है और आधिया अनुज को श्रुति के बेहोश होने के बारे में बताती है। तोसु गुंडों से परेशान आकर इवेंट में रखा हुआ एक नेकलेस चुरा लेता है और उसे अनुपमा के बैग में डाल देता है। इस दौरान अनुपमा उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो तोसु को बैग में नेकलेस डालते हुए नहीं देख पाती। तोसु अनुपमा को झूठ बोल देता है कि वो यहाँ पर खाना खाने आया है। इस पर अनुपमा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और तोसु को अपने हाथों से खाना खिलाती है। इस मौके पर अनुपमा तोसु से माफ़ी मांगती है और बोलती है, मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाई, मैंने अपने बेटे को ही चोर बोल दिया। अनुपमा की यह बात सुनकर तोसु रोने लगता है और माँ को सॉरी बोलकर टेबल से उठ जाता है। तो इवेंट से जैसे ही वापस जाने लगता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और सबको बताया जाता है कि एक एक्सपेंसिव नेकलेस चोरी हो गया है। इस दौरान सभी लोगों के एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और सबकी बारी बारी चेकिंग होती है। तभी अनुपमा और वनराज को तोसु की चिंता होती है। आखिर में अनुपमा की चेकिंग होती है और उसके बैग से हार निकलता है और ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है।